बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। देखें, ये मैं चटनी बनाना आपको सिखा रही हूँ। अभी जो मैंने आपको सब चीज़ें दिखाई थी, ये देखें, लहसुन मैंने 5 अदद लिए हैं, 2 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है और 1 आधी चम्मच मैंने नमक लिया है और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं और ये हरा धनिया और पुदीना है। अब ये मैं पीस रही हूँ, उसके बाद 2 अदद मैंने टमाटर भी लिए हैं। पहले ये पीस लूँ, फिर मैं वो शामिल करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, जूसर में तो पीसते ही हैं, ज़्यादातर मेरा काम सिल पर होता है, तो अब मैं जूसर में भी करती हूँ लेकिन सिल पर ज़्यादा करती हूँ। तो सब लोग हमारे सब साबुत मसाले खाते हैं, हर चीज़, हल्दी साबुत, धनिया साबुत मिर्चें, सब चीज़ हम साबुत खाते हैं। तो देखिए, सिल पर चटनी और सिल की चटनी तो आपको पता है कितने मज़े की होती है। अब देखेंगे, मैं पीस रही हूँ, खाने की तो बात ही अलग ही होती है, आपको तो पता ही है। ये देखें, इधर कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जूसर में तो जूसर में ही पीसती है, मगर वो बात नहीं होती। देखें, 2 अदद हमने टमाटर लिया और मैंने इसका छिलका उतार लिया है। अब देखें, ये भी मैं इसको पीस रही हूँ। अब ये पीसती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े की चटनी होती है, आप भी पीसिएगा। और ये देखें चटनी पीस चुकी है, देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं इसको उठाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें, चटनी बन चुकी है, आप भी बनाएं और मज़े से खाएं। हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ भी, समोसों के साथ, सबके साथ। तो ये आप बनाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा।